वेलकम बैक डेवलपर्स। तो आज हम सब देखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो हर डेवलपर मोस्टली यूज़ करते ही हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका वर्क इजी होता है। कैसे? अगर आपको किसी और कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए तो क्या करोगे आप, उस पर्सन से आप आईपी एड्रेस लेकर के उस आईपी एड्रेस को इस जगह पर डालोगे। तो क्या होगा, वो सेकेंड पर्सन आपको परमिशन देगा। परमिशन अगर नहीं देगा तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर परमिशन दे दिया तो आप क्या करोगे, सिंपली उस बंदे का कंप्यूटर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कैसे डाउनलोड करते हैं, तो चलते हैं हम लोग गूगल में कि कैसे इसे डाउनलोड किया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनी डेस्क गूगल में टाइप करने के बाद, वन सेकेंड, एनी डेस्क टाइप करने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक है इसे क्लिक कर देना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। फिर ये विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स सब के लिए, मतलब क्या है, एंड्रॉयड का मतलब क्या हुआ, आप इसे मोबाइल फोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी करके दिखाऊंगा, क्या अभी मैं विंडोज़ के लिए मैं डाउनलोड करता हूँ और फ़ोन में मैं एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड करता हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है ही, तो ये फिर से डाउनलोड हो गया, कोई इशू नहीं है। तो मैं चले जाता हूँ सबसे पहले सॉफ्टवेयर में, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अब क्या करना है, ये मेरे पहले से कनेक्ट है, ये तो यहाँ पर रिसेंट सेशंस दिख रहा है। तो फिर क्या करना है, और ये भी मेरा रिसेंट सेशन है जो एंड्रॉयड से मैं कनेक्ट किया हूँ। तो सिंपली क्या करना है, मैं अब इसके आईपी को 16741125 को क्या करता हूँ, मैं आईपी को मैं डालता हूँ फोन पे। यस, डाल दिया मैं। और इसमें क्या है, जैसे आप इसको फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करोगे तो आपका आईपी एड्रेस, योर एड्रेस विल बी चेंज। सो डोंट वरी कि ये मैं आपको नेट में सब पब्लिक कर दिया, ये आईपी से कुछ इशू हो सकता है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप परमिशन नहीं दोगे तब तक कोई यूज़र आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे एक आया है एक्सेप्ट और डिसमिस, तो मैं चाहूँगा अगर डिसमिस करना तो डिसमिस कर दूंगा, अगर एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट। तो चलिए मैं दिखाता हूँ एक्सेप्ट करके कि क्या होता है। तो मैं एक्सेप्ट कर लिया, अब मेरे मोबाइल फोन पे ये आ गया है। अब मैं ये, आप कर्सर मेरे माउस के देख सकते हैं, मेरे माउस का कर्सर वहीं पे है। अब मैं इसे फोन से यूज कर रहा हूँ, फोन से वैसे यूज नहीं हो रहा, लेकिन ये जो कर्सर है ये मैं फोन से यूज कर रहा हूँ। सो आप एक बार ट्राई करके देखें कि कैसे यूज होता है। तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसे यूज करते हैं। अगर सपोज दैट अगर मेरे कंप्यूटर में कोई इशू आया है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सीनियर डेवलपर क्या करते हैं, जनरली आईपी एड्रेस लेकर के मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट होकर के वो उस इशू को, उस फंक्शंस को सॉल्व कर देते हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, डिसकनेक्ट कर देता हूँ सिंपली। ओके, ये डिस्कनेक्ट हो गया, अब कोई भी मेरे इस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था।